हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे आफ्टर 20 ईयर रिटन बाय ओ हेनरी। ये एक शॉर्ट स्टोरी है। ये स्टोरी बताती है दो बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में। तो आइए देखते हैं। सर्दियों का समय है, बहुत सर्दी पड़ रही है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और हवा भी चल रही है। रोडों में बहुत ज़्यादा सन्नाटा है और वहाँ एक पुलिस हर जगह अपनी आँखों से देख रहा है, पहरा दे रहा है और अपना डंडा घुमा रहा है। डंडा घुमाते घुमाते हर जगह देख रहा है और अपनी ड्यूटी निभा रहा है। ऑलमोस्ट वहाँ पे जितने भी शॉप्स थीं उस जगह, सारी शॉप जो थीं सब बंद थीं। खाली दो चार शॉप्स जो होंगी, दुकान होंगी, खुली थी वहाँ पे। तो वहाँ पे एक पुलिस था, वो अपनी ड्यूटी निभा रहा था। तो वो आगे चलते चलते अपना डंडा घुमाते घुमाते आगे वो बढ़ा। उसको एक आदमी दिखाई देता है जो हार्डवेयर शॉप के सामने खड़ा होता है और उसका नाम बॉब होता है, जो हार्डवेयर शॉप के सामने खड़ा है। लंबा चौड़ा कोट पहना है उसने और टोपी लगाई हुई है, मुँह में सिगार दबाई हुई है और अंधेरा है, बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही है, हवा चल रही है। ऑलमोस्ट सारी दुकानें बंद हैं, कुछ दो तीन शॉप्स खुली हुई हैं बस। वो आता है पुलिस उससे पूछताछ करने कि इतनी सन्नाटे माहौल में तुम यहाँ पे ऐसा खड़े होके क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है कि मैं यहाँ पे अपने फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ। 20 साल पहले हम दोनों यहाँ पे, एक रेस्टोरेंट था तो हम लोग ने खाना खाया था और फिर हम लोग ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि 20 साल के बाद हम दोनों मिलेंगे ये इसी जगह में 10 बजे। तो बस मैं उसी का वेट कर रहा हूँ, पर मुझे न्यूयॉर्क से बाहर जाना था, ईस्ट की तरफ, और उसको न्यूयॉर्क से बाहर नहीं जाना था और उसको यहीं पर रह कर पैसा कमाना था। तब मैं उस वक्त 20 साल का था और वो 18 साल का था, पर हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और अभी भी हैं। और हम लोग ने वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि हम लोग ठीक 20 साल के बाद हम लोग इसी जगह मिलेंगे। तो वो जो पुलिस मैन होता है वो बोलता है कि हाँ, यहाँ पे तो अब रेस्टोरेंट 5 साल में ही टूट गया और यहाँ पे हार्डवेयर की शॉप खुल गई है। तो बॉब कहता है हाँ वो तो है, बट काश यहाँ पे रेस्टोरेंट होता तो काश मेरा फ्रेंड आता तो मैं उसके साथ यहीं पे डिनर करता। फिर 5-10 मिनट उन लोग बात करते रहे। फिर उसने अपनी जेब से, बॉब ने अपनी पॉकेट से एक माचिस निकाली। माचिस निकाल के उसने जब जलाई और अपना सिगार जो मुँह में दबाया हुआ था उसको जलाया, तो उसकी जो रोशनी हुई उससे पुलिस ने उसका चेहरा देखा। फिर उसके बाद, चेहरा देखने के बाद, उसके गले में एक टाई थी जिसमें डायमंड का नग लगा हुआ था, डायमंड का स्टोन लगा हुआ था और उसके आईब्रो में थोड़ा सा निशान था कट का, जैसे कट जाता है उसका थोड़ा सा निशान था। तो पुलिस ने उसको देखा और उसने जब अपनी सिगार जलाई तो वो सिगार को बाहर निकाल के जैसे पीते हैं वो पीने लगा। फिर अपना पॉकेट में से घड़ी निकाली, वो घड़ी बहुत प्यारी सी थी और घड़ी के चारों ओर डायमंड लगे हुए थे। तो वो कहता है बॉब कि 10:03 हुए हैं, मेरा फ्रेंड आता ही होगा अभी। तो वो जो पुलिस मैन था, जो पुलिस था, उसने कहा तुमको देख के तो लग रहा है तुमने बहुत ही पैसे कमा लिए हैं। तो बॉब कहता है हाँ मैंने तो बहुत पैसे कमा लिए हैं, क्योंकि मैं जिस जगह पैसा मैंने कमाया है उस जगह मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और बहुत स्ट्रगल भी किया है मैंने। मेरे ख्याल से मेरे जो दोस्त है जिमी, उसने भी मेरे से आधा पैसा तो कमा ही लिया होगा, पर मुझे खुशी है कि आज मैं उससे मुलाकात करूँगा इस जगह। तो वो जो पुलिस वाला होता है वो बोलता है इंटरेस्टिंग, तुम्हारी काफ़ी कहानी मुझे अच्छी लगी, चलो मैं चलता हूँ। और हाँ, अगर तुम्हारा दोस्त नहीं आएगा तो तुम क्या करोगे? तो बॉब कहता कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत ऑनेस्ट है, वो आएगा ज़रूर मेरे से मिलने, वो अपने वादे का बहुत पक्का है।
तो वो पुलिस कहता है ठीक है, पुलिस मैन कहता है ठीक है मैं तो जा रहा हूँ अपनी ड्यूटी निभाने, तुम करो वेट। तो बॉब कहता है हाँ मैं आधा घंटा वेट करूँगा और फिर उसके बाद मेरा मन कह रहा है कि वो आएगा। तो वो पुलिस मैन वहाँ से चला जाता है। फिर क्या होता है, 10-15 मिनट बाद क्या होता है कि एक लंबा चौड़ा इंसान आता है आदमी, और उसने बहुत लंबा कोट पहना होता है, लॉन्ग शूज़ पहने होते हैं और कैप लगाई होती है बहुत लॉन्ग सी। अंधेरे का टाइम है, सर्दियों का दिन है, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, सब कुछ बंद है वहाँ पर, खाली 2-3 शॉप्स खुली हुई हैं जहाँ पे थोड़ी थोड़ी लाइट जल रही है। तो वो आदमी आता है बॉब के पास और कहता है बॉब, तो बॉब बोलता है जिमी। वो दोनों आपस में मिलते हैं, फिर उसके बाद जो जिमी होता है वो कहता है चलो बॉब आगे चल के बातचीत करते हैं, चलते हुए बातचीत करते हैं। तो चलते चलते वो अपनी बातचीत करने लगे, तो फिर उसके बाद बॉब कहता अरे जिमी तुम कितने लंबे हो गए हो, कितनी तुमने हाइट निकाल ली है, काफ़ी अच्छे गुड लुकिंग लग रहे हो। और दोनों जन चलते चलते बात करने लगे। फिर उसके बाद जो बॉब बोलता था तो जिमी क्या होता था वो बात काट देता था। जो बॉब होता है वो बहुत डींग मारने लगता है, वो अपनी खुद बड़ाई करने लगता है कि मेरे पास ये है, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास उतना पैसा है। फिर क्या होता है कि एकदम से एक मेडिकल स्टोर होता है, वहाँ पे एक रोशनी, बहुत ज़ोर से रोशनी चमकती है, तो बॉब जो होता है उस इंसान का चेहरा देखता है। उस इंसान का जैसे चेहरा देखता है तो बॉब कहता है तुम कौन हो, और इतने सालों में किसी की नाक जो होती इतनी लंबी नहीं होती, तुम हो कौन, तुम कौन हो जो जिमी की जगह तुम आए हो, तुम हो कौन। तो जो जिमी की जगह जो आता है वो इंसान लंबा चौड़ा, वो बोलता है मिस्टर बॉब आप 10 मिनट से अरेस्टेड हैं, तैयार हो जाइए पुलिस स्टेशन जाने के लिए। फिर उसके बाद बॉब बहुत ज़्यादा घबराने लगता है। तो वो जो होता है, जो आदमी होता है जो, तो वो कहता है एक सेकेंड मैं तुमको एक लेटर दे रहा हूँ, इसको पहले पढ़ लो। तो जो बॉब वो लेटर लेता है तो उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, उसको पसीना आने लगता है। वो जब लेटर पढ़ता है तो वो लेटर उसका फ्रेंड का होता है, जिमी का। तो उसमें लिखा होता है बॉब मेरे दोस्त तुमको पूरे शिकागो में ढूंढा जा रहा था इतने दिनों से, और जब तुम न्यूयॉर्क आए तो यहाँ पे भी जितने भी पुलिस हैं सब तुम्हें ढूंढ रही थी, और जब मैंने तुम्हें पहली बार देख लिया जब तुम अपने शिगार को जला रहे थे तो मैं समझ गया था। पर देखो मैं ठीक 10 बजे तुमसे मिलने के लिए आया, पर बॉब तुम मेरे 20 साल पुराने दोस्त थे, तो मैं तुम्हें पकड़ नहीं सकता था, इसलिए मैंने एक पुलिस, दूसरी पुलिस को तुम्हारे पास भेजा तुम्हें अरेस्ट करने के लिए, मुझे माफ़ कर देना। तो यहीं पे स्टोरी हम लोग की पूरी होती है। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई हो। तो अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और आगे शेयर करें। थैंक यू।